अगर आप 2024 के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी देख रहे हैं तो इसके बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम हर एक पॉइंट को 2023 का जो पेपर आया है उसकी टफनेस के हिसाब से हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, क्या आपको रोड मैप रखना है, क्या बुकलेट रखनी है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, हर एक चीज़ को हम मंथ बाई मंथ के प्लान के हिसाब से चलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पेशेंसफुली देखना, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में आपको यूपीएससी के जो 7 पिलर्स होते हैं, ऑप्शन सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग, एथिक्स का स्ट्रेटजी, ऐसे की स्ट्रेटजी, नोट्स मेकिंग, करंट अफेयर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हमने 5 फेजेस यानी 5 पार्ट्स में बांट दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 फेजेस, जिसको हम पीरियड ऑफ मंथ बोलते हैं। स्टार्टिंग के 3 मंथ की स्ट्रेटजी है, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर आपका 1 मंथ, फिर 2 मंथ। स्टार्टिंग के 9 मंथ आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन लेकर चलनी है, ठीक है, और लास्ट के 3 मंथ आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ में क्या क्या पढ़ना है मंथ बाई मंथ एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पेशेंसफुली देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जे एन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज बिजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका रोड मैप। तो देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि प्रिपरेशन का आखिर स्टेप क्या होते हैं। जैसे कहीं भी आप किसी भी सफलता पर चढ़ते हो तो उसके एक स्टेप रहते हैं, सीढ़ियाँ रहती हैं, तो उसको हमने यहाँ पर डीकोड किया है। पहला रहता है आपका सिलेबस ऑफ PYQs यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, दूसरा NCERT, फिर स्टैंडर्ड बुक्स, ऑप्शनल के सब्जेक्ट, ऑप्शनल के नोट्स, ऑप्शनल के स्ट्रेटजी, फिर आपका डायनेमिक सब्जेक्ट जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, फिर आपके कुछ मेंस के सब्जेक्ट होते हैं जो स्पेसिफाइड मेंस के होते हैं, फिर आपका आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का फेज और मेंस का फेज, ठीक है। आपको एक चीज बता दें, हमने एक पूरी एक सीरीज बना रखी है जिसका नाम है UPSC सीरीज बॉटम टू टॉप, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें आप जाके पार्ट 51, 52, 53, 21, 23, इसमें हमने हर एक चीज को डिटेल में बता रखा है। तो आप इस वीडियो के बाद में अगर आपको कोई डाउट होता तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। नाम है UPSC सीरीज, गाइडेंस सीरीज है, सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करना होता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और उससे ज्यादा आपको जानना है तो आप हमारे बाहुली कोर्स को देख लेना, उसके बारे में आपको वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपके फेज वन के बारे में बात करते हैं। फेज वन आपका 3 मंथ का है, जून, जुलाई, अगस्त। इसमें आपको अपना 0 लेवल प्रिपेयर करना है, NCERT कवर करना है, और आपके जो 2 सब्जेक्ट है पॉलिटी और ज्योग्राफी इनको देखना है। इसमें क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी है वो देखिए। सबसे पहले 0 लेवल का मतलब क्या होता है, सिलेबस और PYQs। सिलेबस आपको बताते हैं कि कितना दायरा है, PYQs बताते हैं उस दायरे में कितनी गहराई है ना। तो आपको इन दोनों को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन इनको पढ़ो, टॉपिक बाई टॉपिक सिलेबस देखो, टॉपिक बाई टॉपिक आप PYQs देखो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, नाम है केजे मिशन UPSC, PYQs की पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपको वहाँ मिल जाएगा। बात करें NCERT की, तो देखो NCERT के आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, 6 से लेकर 12, 9 से लेकर 12 और आपके 11 से लेकर 12, और एक और होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT आप पढ़ सकते हो, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERTs होती हैं, उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना इसके बाद में। लेकिन आप 11, 12 के पढ़ लो ठीक रहेगा, क्योंकि आपके पास 1 साल का टाइम है। अगर आपके कंसेप्ट्स और ज़्यादा वीक हैं तो आप 9 से लेकर 12 तक के पढ़ो, लेकिन आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आप 6 से लेकर 12 तक पढ़ लो, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके पास समय कम है, तो लेकिन आप 9 से लेकर 12 तक के पढ़ लेना। फर्स्ट रीडिंग आपको 1 मंथ में कवर करनी है किसी भी कंडीशन में, एंड सेकेंड और थर्ड रीडिंग आपको 1 मंथ में और कवर करनी है किसी भी कंडीशन में। आप चाहे कितने आवर्स भी डेली के लिए टाइम दे रहे हो, 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, वो आप देख सकते हो। कैसे NCERT को पढ़ना है उसके लिए हमने यूपी सीरीज पार्ट 56 बना रखा है, चाहो तो देख लेना, अदरवाइज आपको आता हो तो बढ़िया है। फिर आपको अगले मंथ में, क्योंकि 2 महीने कवर हो गए आपके NCERTs में, फिर आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी देखना है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के लिए आपको स्टार्टिंग के करीब करीब 15 से 20 दिन दे देना है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत अगर पढ़ते हो तो। लेकिन आप सोच रहे हो पहले मैं पॉलिटी भी पढ़ता रहूँ, ज्योग्राफी पढ़ता रहूँ डेली, तो आप दोनों को 30 दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए क्या, NCERTs एनफ होती हैं 11 से लेकर 12 तक, लेकिन अगर आपके पास किसी कोचिंग का नोट्स है, विजन IAS या ओनली IAS, दोनों का नोट्स काफ़ी अच्छा होता है, परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप किसी एक का ही परचेस कर सकते हो, तो आप इन दोनों में से किसी एक का नोट्स परचेस कर लेना, उस नोट्स को पढ़ लेना ज्योग्राफी का, वो आपके लिए एनफ रहेगा। या PMF IAS की बुक आती है, आप उसको देख लेना, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं PMF IAS, इसकी बुक आती है, पहले नोट्स आता था, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप सब जानते हो 2023 का पेपर कितना टफ आया है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी एक अच्छी अफोर्डेबल कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो हम आपको PWLIS को रिकमेंड करेंगे। इनके कोर्सेज प्रहार, टाइटन एंड संकल्प जो 2024-25 के लिए हैं, जिनकी कीमत
9000 और 10,500 है, जिसमें ये सारी बेसिक ऑफरिंग प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको ₹500 का डिस्काउंट मिलेगा। KGM कैपिटल लेटर्स में लिखना है। PW ने कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सेलेक्ट 360 के नाम से अपना प्रीमियम कंटेंट भी लॉन्च किया है, जिसमें उनकी सारी बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, खजाना प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, टेली मेंटोरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्रीमियम कंटेंट को जरूर लेना, जिसमें आपको बेसिक प्लस प्रीमियम दोनों कंटेंट मिलेगा, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो A to Z। इस बार का आपने ओनली आइस का रिजल्ट देखा ही है, टॉपर्स वगैरह आपने देखे ही हैं। ओनली आइस के साथ में PW आ चुका है, दोनों PW ओनली आइस बन चुका है। आप भी अगर टॉपर्स की लिस्ट में आना चाहते हो तो आप PW को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप PW ओनली आइस की बुक्स को ही परचेस कर सकते हो अमेजोन से। आप देख सकते हो उनके प्राइसेस वगैरह, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे डाल देंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब बात करें सेकंड फेज के बारे में, तो ये सेकंड फेज है, ये आपका नेक्स्ट 3 मंथ है। इसमें आप सबसे पहले इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन दोनों को कवर करके चलोगे, साथ में अपने ऑप्शन सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर लोगे। देखो, अगर ऑप्शन सब्जेक्ट अभी तक आपने चूज कर लिया है तो ऑप्शन सब्जेक्ट को जितना जल्दी कवर कर सको, जितना जल्दी निपटा दो, उतना फायदा रहेगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि वो आपके पूरी प्रिपरेशन का 1/3 मेहनत को लेता है। ठीक है, तो उस पर जल्दी से जल्दी फोकस करो। लेकिन आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो NCERT वगैरह पढ़ना, कुछ इसमें टाइम बिताओ, तो आप 3 महीने बाद तक सेलेक्ट कर लो उसको। इकोनॉमी में आप संजीव वर्मा या रमेश सिंह, दोनों में से किसी एक की बुक ले सकते हो, इन दोनों में से किसी एक की बुक ले लो, साथ में आप करंट अफेयर को लिंक करते रहो, इतना इनफ है। या अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो या करके बोल रहे हैं, मुंडाल पटेल सर के नोट्स ले सकते हो, श्रीयाम IAS के नोट्स ले सकते हो, या श्रीयाम IAS की बुक ले सकते हो, या विजन IAS का नोट्स ले सकते हो। देखो, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है कि इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आप करंट अफेयर से लिंक करते हुए आ रहे हों तो आपको कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। रमेश सिंह की बुक काफ़ी मोटी है, लेकिन उसमें से आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ते रहना। संजीव वर्मा की थोड़ी पतली है, अगर हम रिकमेंड करें तो हम ये बोलेंगे आप संजीव वर्मा से कंसेप्ट वगैरह क्लियर कर लो और करंट अफेयर वगैरह पढ़ते रहो। मृणाल पटेल सर के नोट्स आप तब पढ़ना जब आप उनके लेक्चर्स वगैरह देख रहे हो, क्योंकि उनके नोट्स काफ़ी टफ रहते हैं, जो नोट्स देखेगा उसके लिए बहुत ईजी रहते हैं। या आप उनके लेक्चर्स को, उनके पुराने लेक्चर्स हैं, लेक्चर उनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, वो आप आपके ऊपर है। लेकिन आपने अगर ओनली IAS या विजन IAS का नोट्स ले लिया है तो आप कोई बुक परचेस मत करो, करंट अफेयर को लिंक करते रहो, बस इतना इनफ रहेगा। बात करें हिस्ट्री, जैसा कि आपको पता है कि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। इस बार तो मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं, जिसके लिए बच्चा इतनी मेहनत करता है, तो एंशिएंट मेडिवल को हल्के मत लेना। इसके लिए क्लास 11th और 12th की 2 बुक आती हैं आपके तमिलनाडु की, तमिलनाडु हिस्ट्री की, आप उनको पढ़ लो। उसके बाद में यहाँ की जो NCERT है उनको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज वो आपके लिए इनफ है। ठीक है, या वाजीराम का नोट्स आता है NCERT मेडाबल के लिए, इतना इनफ रहेगा। बात करें मॉडर्न के लिए, तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो, इट्स इनफ, या विजन का नोट्स लिया हो तो वो पढ़ लो, दोनों में से कोई एक। फिर आर्ट एंड कल्चर की क्लास 11th की इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, उस बुक को पढ़ लेना, और किसी कोचिंग का नोट्स हो तो वो पढ़ लेना, इतना इनफ है, क्योंकि आपका 80% 70% सिलेबस कवर हो जाएगा उससे। लेकिन इसका वेटेज बढ़ गया आर्ट एंड कल्चर का, तो आप कुछ अदर रिसोर्स जरूर देखना NCERT के साथ में, नोट्स देख सकते हो कोई भी। ऑप्शनल के लिए, जैसे कि हमने बोला कि ऑप्शनल आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना, फर्स्ट और सेकंड रीडिंग इन 3 महीनों में कवर हो जानी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग आप पढ़ते पढ़ते चलोगे, कोई नोट्स नहीं बनाओगे, अगर आपके पास लेक्चर है तो लेक्चर जल्दी कवर कर लो। देखो, हर फेज में हम 3-3 काम दे रहे हैं आपको, फर्स्ट फेज में भी आपके पास 3 काम थे, इस फेज में 3 काम है, नेक्स्ट फेज में भी आपको 3 काम मिलेंगे। वो 3 काम आप अपने ऊपर छोड़ते हो कि आप उसको 3-3 घंटे दे रहे हो, 2-2 घंटे दे रहे हो, 4-4 घंटे दे रहे हो, कितना पढ़ना चाहते हो उसके हिसाब से आप उसको दे सकते हो। ठीक है, हम रिकमेंड करेंगे 3-3 घंटे तो दो, साथ में करंट अफेयर पढ़ो 1-1.5 घंटे और 1 घंटे रिविजन, इस तरीके से 11-12 घंटे का आपका शेड्यूल हो जाएगा। बात करें फेज 3 की, ये भी आपका 3 मंथ का है, इसमें आपको फाइनल नोट्स बना लेने हैं ऑप्शन सब्जेक्ट के। पहला काम तो ये कवर करना, जैसे हमने बोला ना, ऑप्शनल एक बड़ा हाथी है। ठीक है, आप इसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करो, जैसे ये कवर हो जाएगा आपको अपने आप अलग कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम करो। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS की बुक होती है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई स्पेसिफिक बहुत अच्छी बुक नहीं है, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं आप इनको कितना ही पढ़ लो फिर भी कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर पर विशेष ध्यान रखना है, साथ में आपका कंसेप्ट क्लियर हों। कंसेप्ट आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी कोचिंग के नोट्स से या स्टैंडर्ड बुक से। स्टैंडर्ड बुक के लिए शंकर IAS हमने बता दी, एनवायरनमेंट के लिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक नोट्स आता है, वो है आपका साइनेप्सिस IAS का, आप उसको देख सकते हो, वो काफ़ी ठीक नोट्स है, बढ़िया बुक है, वो उन्होंने बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। या आपके पास विजन या ओनली IAS का नोट्स है तो आप उसको देख सकते हो। रिसोर्स सिर्फ एक होना चाहिए, साथ में करंट अफेयर होना चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए
और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीजों के लिए हम बता रहे हैं। रिसोर्स एक कोई भी, और करंट अफेयर बेसिक्स तगड़े कर लो वहां से, और करंट अफेयर अच्छे हो, बस इतना आपको स्टडी रखनी है। इस फेज बेज में आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आप पहले से प्रिपेयर करते हुए आ रहे हो तो आंसर राइटिंग अब भी कर सकते हो। इस हालांकि जल्दी वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आंसर राइटिंग के ऊपर हमने और वीडियो बना भी रखी है, आप देख लेना। डेली दो आंसर से स्टार्ट करना, दो, फिर चार, फिर छः, फिर आठ, फिर दस। दस इसलिए लिखने के लिए बोल रहे हैं, ये आप तीन चार महीने बाद का शेड्यूल बता रहे हैं, ताकि आपको तीन घंटे लिखने की पूरी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे राइटिंग वीक बाई वीक, वीक में एक ऐसे या 15 दिन में एक ऐसे, ये लिखते चलोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा डर निकल जाएगा। ऐसे की प्रिपरेशन कब हो जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा, और ऐसे कितना वेटेज रखता है आपको पता ही है। 130 मार्क्स तक आपके ठीक रहते हैं। और एथिक्स को भी आप एवरी संडे पढ़ो। देखो हम एथिक्स और ऐसे की स्मार्ट स्टडी आपको भी बता दें, आप इनको संडे के तीन तीन घंटे दे दो, हर एक संडे के तीन घंटे एथिक्स के लिए, तीन घंटे ऐसे के लिए, और तीन घंटे रिवीजन के लिए, और बाकी तीन घंटे अपने एंजॉयमेंट के लिए रखो। 9 घंटे का टाइम अपना संडे का या सैटरडे का, जब भी फिक्स करना चाहो इस तरीके से फिक्स कर लो, ठीक है। बात करें फोर्थ फेज की, ये देखो फेज हमने स्पेसिफाई सी सेट के लिए दिया है। देखो स्टार्टिंग से सी सेट पढ़ना बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अभी से पढ़ोगे फिर बाद में भूल जाओगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस मायने रखती है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का गेम है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो अभी पढ़ लोगे, बाद में पढ़ लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो भूले नहीं वाले। तो सी सेट के लिए हमने फरवरी, ये आपका फरवरी मार्च तक आप देख सकते हो उसको, लेकिन जितना वीक आपका सी सेट हो उतने आवर्स उसको बढ़ा देना, इसलिए हमने आप लगाया 2, 4, 6। आपको पता है सी सेट कितना टफ हो गया, तो हम आपको बोलेंगे आप कम से कम दो से तीन महीने डेली 4-4 घंटे पढ़ो, मैथ्स के अच्छे से प्रैक्टिस करो, रीजन के अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉम्प्रिहेंशन को तो छोड़ना ही मत, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। और सी सेट को उतना ही तवज्जो दो जितना जीएस को दे रहे हो, और उतना नहीं दे सकते तो उसका आधा तो दे सकते हो। सी सेट के लिए आप पढ़ते नहीं हो मुश्किल से 1 से 2 महीने, और जीएस के लिए सालों साल लगा देते हो, तो थोड़ा सा उसकी वैल्यू समझो, अदरवाइज वो आपको ले डूबेगा। इस फेज में आपको रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग अपने हिसाब से देख लेना, एथिक्स, और ये आपका मेन सब्जेक्ट देख सकते हो, और ऑप्शन सब्जेक्ट का रिवीजन, बस। नेक्स्ट फेज आएगा आपका प्रीलिम्स का, इसमें स्पेसिफाई वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं, साथ में आपको PYQs पिछले 25 से 30 साल को सॉल्व करने हैं। स्टार्टिंग में आप PYQs 10 से 15 साल सॉल्व कर लो, एनफ है। करंट अफेयर का रिवीजन करना है, अगर आप करंट अफेयर अभी से पढ़ सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट में आता है PT 365, उससे पढ़ लेना, लेकिन उस टाइम पे आपके सिर पर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, हम रिकमेंड करेंगे। अभी न्यूज़पेपर एनालिसिस तो कम से कम देखते रहो, साथ में मैगजीन। बुक लिस्ट हमने आपको बता दी है, इतनी बुक लिस्ट फॉलो करना है, लेकिन आपको फिर भी इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो हमने एक वीडियो बना रखी है यूपी सीरीज पार्ट 55, उसमें हमने हर एक चीज बता रखा है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक नोट्स, कोचिंग नोट्स और स्टैंडर्ड बुक दोनों में क्या डिफरेंस है, हर एक चीज को बता रखा है, तो आप उसको देख लेना। 5 तरह के आपके कंटेंट होते हैं, ठीक है। देखो जैसा कि हमने बोला था आपको 7 आपके पिलर्स होते हैं, ऑप्शनल के लिए हमने आपको बता दिया अभी से स्टार्ट कर दो तो ठीक है। दूसरा नोट्स मेकिंग, बहुत ज़्यादा जरूरी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट नोट्स बनाते नहीं हैं, बुक्स पढ़ते रहते हो, गलती करते हो, नोट्स बनाना। तीसरी चीज़ करंट अफेयर के लिए हमने आपको बता दिया मैगजीन एक न्यूज़पेपर। चौथा टेस्ट सीरीज के लिए भी टेंशन मत लो, एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल देंगे। आंसर राइटिंग के लिए एक जल्दी वीडियो आने वाली है, और अगर आपको अभी देखनी है तो आप यूपी सीरीज पार्ट 29 देख लें, हमने ऑलरेडी बना रखी है। एथिक्स एथिक्स और ऐसे के लिए हमने आपको स्ट्रेटजी बता रखी है, सी सेट के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है, सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यूपीएससी में स्ट्रेटजी हो, कंसिस्टेंसी हो, डिसिप्लिन हो, बस, ठीक है। बाद बाकी का आपका लक काम करता है, ये सारी चीज़। कुछ आपको स्मार्ट स्टडी पॉइंट बता दें कि सेलेक्टिव नोट्स रखना है, सेलेक्टिव आपको स्टैंडर्ड बुक रखनी है, लिमिटेड करंट अफेयर रखना है, एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना स्टडी वगैरह देखने पर, और रेगुलर रिविजन करना, यही 4-5 स्ट्रेटजी हैं। उम्मीद करते हैं देखो इस वीडियो में आपको कुछ क्वालिटी दी होगी, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यूपीएससी सीरीज को जरूर देखना, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को हमने डिटेल में बता रखा है। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप उसको देख सकते हो, हर एक चीज़ को हमने जीरो से बता रखा है। लेकिन आप बिल्कुल कम टाइम में, बहुत कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो आप हमारे बाहुबली कोर्स को चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। PW के कोर्स को देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके साथ इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।